तो हेलो गाइस, कैसे सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो वेलकम बैक टू माय अदर न्यू वीडियो। तो गाइस, बहुत दिन के बाद ये वीडियो, तो क्योंकि यार मेरे को टाइम ही नहीं मिलता। और आज जैसा कंटेंट मिला है, बहुत ही मस्त कंटेंट है, ठीक है? आप लोग एंजॉय करना इस वीडियो को देखकर। और आज है गाइस टीचर्स डे, तो हम लोग ट्यूशन में सरप्राइज करने वाले हैं सर को। तो हम लोग का पूरा 9th बैच से पूरा एक 9 ग्रुप पढ़ते हैं, ठीक है? हम लोग ने पूरा फुल प्लानिंग कर लिया कि सर को कैसा सरप्राइज करना है, ठीक है? तो हम लोग केक वेक पूरा मतलब लाकर मस्ती तरीके से सर को पूरा मस्ती तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है? तो अभी जाते हैं, ठीक है? तो अभी ट्यूशन तो अभी जाते हैं। पहले हम यहाँ पर है, मेरा एक दोस्त है, उसके साथ वो भी पढ़ता है, उसके साथ मैं जाऊँगा। और बाकी सब तो वहाँ पर मिलेंगे, ठीक है? तो अभी वहाँ पर जाते हैं। और आप लोग वीडियो को एंड तक देखना, और लाइक नहीं किया तो कर दो यार, क्या कर रहे हो? और थैंक्स फॉर 200 सब्सक्राइबर्स यार, मैं तो सोचा ही नहीं था यार। थैंक यू यार, दिल से थैंक यू यार। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहो, भाई को अपना भाई समझकर धन्यवाद ना भी बोलूँ, धन्यवाद मन नहीं भरता भाई। ओके, जाते हैं, ठीक है? मिलते हैं वहाँ पर। देख सकते हो गाइस, मैंने आईफोन 14 प्रो मैक्स बना दिया। ये रहा सर। कॉपी नहीं है किसी से? मोर वीडियो हो रही थी। हेलो गाइस, ठीक है कैमरा दे। सो गाइस, वो देख सकते हो केक, यम्मी, खाने का मन कर रहा है। तो अभी सर बुला रहा है पूरा 9th क्लास को एक साथ काटने के लिए। तो मैं तो मस्त वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? सर 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 लोग हाथ चाहिए। देगा कोई क्लैप क्लैप क्लैपिंग। मेरा हिस्सा से थोड़ा इधर रख के देता हूँ, सब मिलके खाना। मैं सर ले लिया, अभी काटो, उसके बाद मैं। हाँ सर, सर ना सर ना सरोज बातें कहना चाहूँ। ओके काटो 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 काटो। देख सकते हो गाइस, सभी ब्लॉगर बन गए हैं। अमिगत है हमारा सभी। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। खाना नहीं का पे मत से खाना का पे ना ला ओ जरा एक ये मोर ना पीछे रे मैं बस अब से ला कोई खफन ना पड़ियो खफन ना पड़ियो सबको दे मैं बाहर ये मेरे लिए तो गाइस अभी खाने पीने का टाइम हो चुका है फाइनली। तो सर को भी खा खिलाते हैं स्पेशली, और हम खाने वाले हैं मैंगो जूस और मिष्टी और भुजिया वगैरह वगैरह। इन लोग को देखो मजा ही है भाई, इन लोग को खाने के लिए आह्लादित हो गए हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। ओके समझ गए। Nice.
पिए पिए मस्ती तरीके से पिए आगो लो देखिया जा रहा आगो आगो लो वाला जा रहा ওই আর কোন ক্লক এই না কত ওরু বাদা দেগা ও আটা আসিতা বাদা দেগা ওরে তো ভি সব লোক কো বাট রে জুস মে একলা ও মুজে কুছ ভি নাই দে রহে হ্যায় লোক বন্ধ করো হাত জোড় কে মে মোদি সাহেব সে গুজারিশ করতা হু लोगर मियां सुना हाँ बहुत तेज हो रहा है तो गाइस फाइनली ठंडी ठंडी मैंगो जूस मिल गया वाह मजा आ रहा है अरे डेली है तभी तो गाइस तारीख लाओ तो ना नहीं चला अभी सब लोग को मिष्टी मिल गया है तो खा रहे हैं भाई लोग मतलब क्या है हमारा पास वो कभी पता नहीं चलेगा हमारा पास बहुत बहुत जंग को अभी कैसे हटाना जरूर हटाने वाला था जैसे हम दो तीन दिन नहीं नहाएंगे इस गर्मी का समय क्या होता है बदबू आता है ये सुन लो इसके लिए साबुन से नहाते हैं हर दिन हम जो पढ़ाई करते हैं ना ये समझो साबुन है हम जो पढ़ाई करते हैं वो साबुन है याद रहेगा पढ़ाई करते हैं वो साबुन है हम उस साबुन से हमारा जो अज्ञान का जो भंडार है अज्ञान नहीं ज्ञान का भंडार है लेकिन अज्ञान का लेयर होता है क्या होता है स्तर होता है उसको हटाना जैसे मैं आज कह रहा हूँ कि हमारा पास बहुत पावर मैं नहीं उपनिषद का कह रहा हूँ उपनिषद ये कह रहा हमारे पास बहुत पावर है उसको निकलना है और वो काम टीचर का है वो काम टीचर का है टीचर वो काम करता है तो टीचर को कहना सुना टीचर अगर कभी गालियाँ देता है पनिशमेंट देता है उसको बुरा मत मान और ऐसे नहीं कि वो अपना गुस्सा दिखा दिया उसको मार के उसको हॉस्पिटल को ऐसा है वो बिल्कुल वो टीचर नहीं है वो टीचर नहीं है उस वक्त के लिए वो हेमान बन गया देवान बन गया तो वैसे तो भगवान नागर को टीचर को इसे बना के देखा ठीक है तो टीचर वो होता है कौन मैंने अभी भी कहा तुम्हारा पास क्या है तुम्हारा पास ज्ञान का भंडार है वो निकलने में मदद करता है मैं अगर ससुंस का मैं मदद कर रहा हूँ तो मैं उस कटावड़ी में थोड़ा थोड़ा आ सकता हूँ अगर नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ सिलेबस रिलेटेड है और मैं सिर्फ आए ये पढ़ो ये पढ़ो ये बाहर मरे मरे वो वैसे ऐसे कह बिल्कुल नहीं कुछ काम करो मकसद होना चाहिए बिना मंजिल से कहीं जा सकते हो नहीं सर जाने का पहले हमको मंजिल तय करना पड़ता है हमारा मंजिल क्या है तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हारा मंजिल क्या है अच्छा रिजल्ट करके टीचर को खुश रखो गार्जियन को खुश रखो और अच्छा सिटीजन बनो पहले तो बनो अपना देश का सिटीजन बनो बाद में वर्ल्ड का गुड सिटीजन वर्ल्ड का गुड सिटीजन का मतलब समझ में आ रहा मैं हाई लेवल का बात किया है छोटा लेवल नहीं हाई लेवल का बात करूँ देखो जो वर्ल्ड बड़े बड़े फिगर नहीं होते हैं वो तो पूरा देश पूरा धरती के लिए सोचता है और मैं सोच रहा हूँ सिर्फ मेरे घर के लिए तो मैं कहाँ और जो पूरा दुनिया के लिए जो सोचता है तो कितना डिफरेंस है मैं मेरा घर के लिए सोच रहा हूँ तो मैं तो जानवर जानवर सिर्फ अपना बारे में सोचता और इंसान दूसरों के बारे में तो आज इस दिन में दो तीन चार पॉइंट मेरे को याद रखना एक पांच पॉइंट है पहले अपना परिचय देना सीखो अपना परिचय कैसे दोगे किसी माँ बाप का लड़का लड़की बन के या काम से अपना आइडेंटिटी काम से याद रखो माँ बाप को सेकेंडरी क्यों एक्चुअली तो माँ बाप से तो आइडेंटिटी शुरू